उसकी वजह से आपको कोई किसी को डिफिकल्टी ना हो। चैप्टर 6 मैंने कहीं डिस्क शेयर किया हुआ, ठीक है मैं इसको करता हूँ। तो हमने बोहर मॉडल जो एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले इसमें है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी एटम का स्पेक्ट्रम। लोग आज से अगर हम वही 100 ईयर बैक चले जाएं, और मैंने कहा कि पीपल नो नॉट मच अबाउट द एटम एंड स्ट्रक्चर एंड एनर्जी लेवल्स मच, देर वर सम ऑब्जर्वेशंस जिनकी बुनियाद पे वो कुछ इंफॉर्मेशन उन लोगों ने कलेक्ट की। असल में उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करें तो वो लाइट एमिट करता है। मसलन लोहा, आयरन, उसको जब आप हीट अप करते हैं तो 650 टेम्परेचर से अबव वो रेड हॉट आपको नज़र आता है, यानी रेड कलर की एमिशन हो रही है। तो लोगों ने उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया, और ये जो एमिशन थी ये बेसिकली कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ दोज एटम्स हैं जो बड़ा टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच। इसी कंटिन्यूटी में लोगों ने रेयर फील्ड गैस, यानी रेयर फील्ड का मतलब ऐसी गैस जो एट लो प्रेशर है जिसमें उसके एटम्स इजीली मूव कर सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल एटम्स का बिहेवियर देखा जा सके। उन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, यानी ये जो आपके लेफ्ट साइड में बनी हुई एक ग्लास ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और गैस फील्ड है इसमें एट लो प्रेशर। जब आप हाई वोल्टेज देते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइटर हैं, विल मूव स्लो, आयंस हैवियर हैं, दे विल मूव स्लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइटर हैं, दे विल मूव फास्ट। इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, आयन स्लो मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जिन्होंने एनर्जी गेन की हुई है, जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है उससे, जब वो कोलाइड करेंगे विद द गैस एटम तो उन अपनी एनर्जी दे के उन गैस एटम्स को एक्साइट कर देंगे, और जब वो गैस एटम डी एक्साइट होंगे तो एमिशन होगी। अब ये जो एमिशन है, हमें पता है कि आज क्यों हो रही है, क्योंकि एनर्जी लेवल अबव एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एक्सेस एनर्जी वो रिलीज करता है। इसके आगे उन्होंने एक स्लिट रख दी। स्लिट क्या होती है, बेसिकली जिस तरह आप दो शार्प एज ले लें उनको क्लोज रख दें, वेरी क्लोज, दे आर कॉल्ड स्लिट। दो रेजर के ब्लेड जो शार्प होते हैं उनको अगर आप बहुत क्लोज रख दें, लेट्स से 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, तो दे फॉर्म अ स्लिट। और इसी तरह की स्लिट आपने लेजर के एक्सपेरिमेंट में, मॉडर्न फिजिक्स लैब में, या स्पेक्ट्रोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखी होंगी। लाइट जब इससे पास होती है और आगे अगर आप प्रिज्म रखते हैं या ग्रेटिंग रखते हैं तो वो लाइट को डिस्पर्स कर देती है, यानी डिफरेंट कलर्स में ऑर्डर में कर। तो ये बेसिकली आपको स्पेक्ट्रम दे रही है उस लाइट का जो इससे अमिट हो रही है। और ये लाइट की अगर आप वेव लेंथ मालूम कर लें, यू कैन टेल कि ये ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हुई है एटम के अंदर। अब आपने स्पेक्ट्रोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, तो आप क्या करते थे, जो लाइट ग्रेटिंग से या प्रिज्म से डिस्पर्स हो रही है उसकी आप डिफरेंट एंगल्स मालूम करके किस किस एंगल पे गई है तो आप उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ भी यही होगा कि लोगों ने क्या कर, इनिशियली इस लाइट के आगे रख दिए देते थे एक फोटोग्राफिक फिल्म एक हाफ सर्कल के अंदर, और लाइट उसके ऊपर जहाँ जहाँ आके स्ट्राइक होती थी तो अकॉर्डिंगली वो उनके एंगल्स मालूम करके वो बताते थे
ये इसकी वेवलेंथ क्या है और उसका स्पेक्ट्रम नोट करते हैं। अब आजकल तो आपको पता है सीसीडी आ चुके हैं और आप डिजिटल फॉर्म में सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन एट दैट टाइम आप जो है ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लेते थे। जब लोगों ने डिफरेंट गैसेस का स्पेक्ट्रा नोट किया, हाइड्रोजन, हीलियम और मरकरी का स्पेक्ट्रा, आप देखें तीनों का डिफरेंट स्पेक्ट्रा है। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये बता रहा है कि यहाँ पे लाइट आके स्ट्राइक नहीं हुई। व्हाइट पोर्शन लाइंस बता रही हैं कि यहाँ यहाँ आके लाइट स्ट्राइक हुई जो इस स्लिट से एमिट हुई और प्रिज्म ने उसको डिस्पर्स किया। तो आप देखें तीनों जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका स्पेक्ट्रा डिफरेंट है, यानी उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उन से जब ट्रांजिशन हुई तो डिफरेंट वेवलेंथ की आपको लाइट मिली। तो एक तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर किसी भी एटम आपके पास अननोन मटेरियल हो तो उसका आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। दूसरा कि हर एटम का स्पेक्ट्रा दूसरे एटम के स्पेक्ट्रा से फर्क होता है। इसी कोशिश में लोगों ने जो है जब इसको फर्दर स्टडी किया इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को, तो उन्होंने ये नोट किया कि ये जो लाइंस हैं आपके पास आती हैं इनमें से कुछ लाइंस का आपस में रिलेशनशिप होता है, और उसको रिलेशनशिप यानी वो लाइन जिनका आपस में रिलेशनशिप है उनको उन्होंने सीरीज का नाम दिया। और 1885 में जे जे बाल्मर ने सबसे पहले सीरीज वालों की जो बाल्मर सीरीज कहलाई, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम पे है, नेक्स्ट जो है वो 4863 पे है, और उसकी लिमिट यानी यहाँ पे ये लाइंस ख़त्म होती हैं वो 3646 एंगस्ट्रॉम पे। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन आई इस सीरीज में उनको उसने कहा कि इस रिलेशनशिप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 स्केल माइनस 1/n स्केल। यहाँ 2 जो है फाइनल लेवल और n जो इनिशियल लेवल होता है, यानी n 3 4 5 है, मींस लेवल 3 से जब लेवल 2 में ट्रांजिशन हुई तो जो वेवलेंथ आई वो 1 होगी, 4 से 2 में होगी तो दूसरी ट्रांजिशन आएगी, 5 से 2 में होगी तो थर्ड ट्रांजिशन आएगी, 6 से 2 में होगी 7, यानी लेवल 2 में अबाव उसके जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनसे जब ट्रांजिशन होगी लेवल 2 में, तो इससे जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे वो एक सीरीज कहलाएंगे और उनका आपस में रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप इस फार्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू उन्होंने इसको रिडबर्ग नंबर का नाम दिया, और इसकी वैल्यू 1.097 × −3 एंगस्ट्रॉम निकाल। तो एच अल्फा जो लाइन है वो एन इज इक्वल टू 3 है, एच बीटा एन इज इक्वल टू 4 से जब 2 में ट्रांजिशन होती है, एच गैमा जब 5 से 2 में होगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से डिफरेंट लाइंस आपके पास ओरिजिनेट होती है। अब जो स्पेक्ट्रा हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक अब्जॉर्प्शन और दूसरा एमिशन। तो एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, मिलने आया तो फिर मैं आपको अभी मैं रिजाइन कर। दो तरह के मैं बता रहा था जैसे स्पेक्ट्रम आते हैं, एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुराद ये होती है कि लाइट आप एनर्जी यानी एनर्जी आप देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी अपर लेवल में जाता है, और ये जो ट्रांजिशन है यानी लाइट के अब्जॉर्ब होना और इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से अबव जाना, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एमिशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का किसी अपर लेवल से लोअर लेवल में जब आए तो वो फोटॉन एमिट करे, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका भी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना है उसके ऊपर वाइट लाइट आप शाइन करते हैं, और उसके दूसरी तरफ नोट करते हैं कि कौन कौन से फोटॉन्स
उस व्हाइट लाइट में से अब्जॉर्ब हो गए और कौन से पास हो गए। जो मिस हो गए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये फोटॉन्स बेसिकली इन्होंने अब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से किसी अपर लेवल में पहुंचा दिया, और जो लाइट पास हो गई वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इसलिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो आपके पास वाइट पोर्शन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो है फोटॉन्स आके इसके साथ स्ट्राइक करिए, ये लाइट उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुई, और जो ब्लैक पोर्शन होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये लाइट मिस हो गई और ये बेसिकली लाइट अब्जॉर्ब हुई। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइन जो हैं वो आपको स्पेक्ट्रम दे रही होती हैं, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइन जो होती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में आपके पास जिस पर व्हाइट लाइन्स हैं ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द स्पेक्ट्रा। ये स्कैनिंग में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बुक से आप किसी और बुक से आप ये देख सकते हैं। तो कंसेप्ट बिहाइंड क्या है, जो लाइट आके स्ट्राइक करेगी वो फोटोग्राफिक फिल्म को वाइट कर देगी, तो वो वाइट लाइन देंगे। जो लाइट आके स्ट्राइक ना की जहाँ जिस पोर्शन में, तो वो ब्लैक रहता है। तो मैं यहाँ से बता समझा दिया आपको कि स्पेक्ट्रम दो तरह से रिकॉर्ड होते हैं, एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में जिस तरह आपने ये डिस्चार्ज ट्यूब थी तो वोल्टेज के जरिए आपने उसको एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन्स को, वो एक्साइटेड स्टेट में चले गई, जब वो डी एक्साइट हुए तो उन्होंने लाइट एमिट की, और वो लाइट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वी कैन टेल अबाउट द स्पेक्ट्रम। रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने बता दिया आपको। इस तरीके से जो डिफरेंट सीरीज हाइड्रोजन एटम के अंदर ऑब्जर्व की गई, और वो सीरीज क्या क्या थी, तो वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, वन ओवर वन स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर। यानी अगर लेवल वन के अंदर जितने भी अबव लेवल हैं वहाँ से ट्रांजिशन हो और जो सीरीज आए वो लेमन सीरीज कहलाती है, तो यानी टू से वन में ट्रांजिशन हो रही है, थ्री से वन में, फोर से वन में, एंड सो। बाल्मर पीछे आ गया, पहले बता चुका हूँ पास्टन क्या है, वन ओवर लैम्डा आर वन ओवर थ्री स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर, और एन है फोर फाइव सिक्स। यानी अगर लेवल फोर से थ्री में ट्रांजिशन हो, फाइव से थ्री में हो, सिक्स से थ्री में हो, तो ये एक सीरीज बनाते हैं जिसको पास्टन सीरीज कहते हैं। ब्रैकेट वन ओवर लैम्डा आर वन ओवर फोर स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर, तो ये जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास लेवल फोर में अब आप जितने भी लेवल्स हैं उनसे ट्रांजिशन हो रही है और एक सीरीज ओरिजिनेट हो रही है। फन जो है ये आपके पास लेवल फाइव में अब जितनी भी ट्रांजिशन हैं लेवल्स हैं उनसे अगर ट्रांजिशन हो तो फन सीरीज आती है। तो ये कुछ रिमार्क्स थे। अब ये जो सीरीज है और हाइड्रोजन एटम जो बाल्मर सीरीज थी ये सबसे पहले ऑब्जर्व हुई क्योंकि ये विजिबल पोर्शन में थी, तो आपको पता है कि विजिबल पोर्शन के अंदर काम करना सबसे आसान होता है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिवली चीप और इजी होता है, आईज विजिबल के लिए सेंसिटिव होती है, तो इसलिए सबसे पहले बाल्मर सीरीज और उसके बाद बाकी सीरीज ऑब्जर्व हुई। जो लेमन सीरीज है वो यूवी के अंदर लाई करती है, और पास्टन ब्रैकेट फंड वगैरह ये इंफ्रारेड के अंदर लाई करती हैं। तो ये इस तरीके से एच अल्फा लाइन जो है 6563 एंगस्ट्रॉम है, एच बीटा मैंने ऊपर बता दिया 400,000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, और एच इन्फिनिटी मीन इस सीरीज की जो लिमिट है जहाँ पे ये सीरीज ख़त्म हो रही है वो है 3646 एंगस्ट्रॉम। और ये देखें ये जो ये बता रहा है कि आप वेवलेंथ वर्सेस देखें, लेमन आपको यूवी में नज़र आ रही है, ये बाल्मर सीरीज आपको विजिबल में, और पास्टन ब्रैकेट और फंड ये इंफ्रारेड के अंदर ये सीरीज मौजूद है। तो यूवी और इंफ्रारेड में काम करना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि योर आई इज़ नॉट सेंसिटिव टू दैट पोर्शन, और इस वजह से आप यूवी में इवन जो आयनाइजेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए वैक्यूम में काम करता है, इंस्ट्रूमेंट भी कॉस्टली हो जाते हैं, और इंफ्रारेड में आपकी आई गेन नहीं दे सकती, इसलिए
वो भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।